Hello everyone, I am Ansi Arora. Welcome you all in today's session of Human Resource Management, and today's topic is Performance Appraisal. Performance Appraisal क्या है? एक systematic, एक periodic, एक जो employees का rating जो है उनकी excellence की, उस पर मैटर करता है कि वो अपने जो उनका एक evaluation जो है, एक process है ये evaluate करने का उनकी performance को, उनके progress के लिए, जो हमारे employees हैं उनकी progress के लिए, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के का जो कोई भी उनको जॉब मिला हुआ है उनकी जो एक जो उनका जो वर्क है, उनका जो आउटपुट है, उसको एसेस करने का एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत यूज़फुल है, जो कि बहुत हमें रिक्वायर्ड होता है हमारे किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में, क्योंकि उसी के जो हमारा परफॉर्मेंस है किसी भी एम्प्लॉय का, वो ही मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए. ठीक है, वो ही प्रोवाइड करता है कि अगर हम परफॉर्मेंस को अप्राइजल करेंगे परफॉर्मेंस का, तो ही हम प्रमोशन के लिए देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉई डिज़र्व करते हैं, कौन से नहीं. टर्मिनेशन किसका होना चाहिए, क्या हमारी करियर प्लानिंग होनी चाहिए, क्या इफेक्टिवनेस है हमारे एम्प्लॉयज़ की, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं. ठीक है, मतलब एक एक्सपेक्टेड लेवल जो है परफॉर्मेंस का, वो हमें पता चलता है हमारे एम्प्लॉयज़ का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है. अब आता है नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्लिपो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमेटिक, पीरियोडिक एंड एन इम्पार्शियल जो एक रेटिंग है एम्प्लॉय एक्सीलेंस की इन मैटर पर्टेनिंग ऑन हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर अ बेटर जॉब. उसने प्रेजेंटली जो वर्क किया है उसकी पोटेंशियल जो बेटर जॉब की हो सकती है. ठीक है, उसका प्रमोशन, उसकी शिफ्टिंग, उसका जो भी किसी भी तरह के उसकी करियर प्लानिंग है, उसका मतलब किसी भी तरह का जो भी फीडबैक एक प्रोवाइड हो सकता है उसके लिए है, जो हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर मेक मोर प्रोडक्टिविटी, टू मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव. अब आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल किस टर्म्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि हमें पता चल गया इवैल्यूएशन है मेनली क्या है, प्रोसेस है, प्रोसीजर है जो यूज़ किया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए. क्या क्या इवैल्यूएट करने के लिए? पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल ऑफ इट्स ग्रुप मेंबर्स. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल? देखो, पहला ऑब्जेक्टिव तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अगर हम किसी की एक्सीलेंस कितना है किसी के वर्क में, अगर हम उसके जॉब वर्क को अगर हम देख सकते हैं, अगर हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, तो हमें इफेक्टिवनेस पता चलती है जो कि हमें हेल्प करती है कि हम उसको एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई है या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रमोशन दें, ट्रांसफ़र दें, उनका टर्मिनेशन, जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू कि वो क्या डिज़र्व करता है उसके अकॉर्डिंग हम वो सब कर सकें. फाइन. और ये किस लिए यूज़ होता है? करियर प्लानिंग के लिए भी यूज़ होता है. एनहेंस करता है इफेक्टिवनेस बाय हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है हमारे एम्प्लॉयज़ की. इन्फॉर्म करता है एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या होने चाहिए परफॉर्मेंस के बाय सेटिंग द जो बेंचमार्क सेट करने के बाद. टू प्रोवाइड फीडबैक, एम्प्लॉय का फीडबैक क्या है, सो दैट दे केम टू नो वेयर दे स्टैंड कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, एंड कैन हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर जॉब परफॉर्मेंस, कैसे अपने जॉब परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव कर सकते हैं. अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोसेस. व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ जो ये है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का. अब प्रोसेस की यहाँ पे बात आती है, तो प्रोसेस में देखो, पहला सबसे पहला तो हमारा आता है इसमें जैसे दिया हुआ है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले तो सेट करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. ठीक है, हम बेंचमार्क जब सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग ही हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि हमारी जो स्टैंडर्ड्स हमने जो हमने सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग हम एक्चुअल जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम इवेल्युएट कर पाएंगे. फिर जो हमने स्टैंडर्ड्स जो हमने बनाए हैं उसको क्या करना, कम्युनिकेट करना स्टैंडर्ड्स को. ठीक है, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स. तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे हमारे आते हैं स्टैंडर्ड्स जो भी रिजल्ट हमें चाहिए, जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे जॉब को चाहिए, रिलेटेड जॉब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, वो जो अप्राइजल प्रोसेस है उसको सेटअप करता है क्राइटेरिया. ठीक है, हम वो स्टैंडर्ड्स को सेटअप करते हैं बाय अप्राइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए एंड इन राइटिंग होना चाहिए कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए. मतलब हमें ऑब्जेक्टिव हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या उनसे डिज़ायर्ड है, क्या उनसे
रिक्वायर्ड है उनको करना है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड होते हैं इसमें, तो जो उनकी आउटपुट होगी, जो उनका वर्क होगा उसको मेजर कर पाए, और ये क्राइटेरिया हमेशा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अब हमारा कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स। अब दूसरा कम्युनिकेट होने चाहिए वो स्टैंडर्ड्स, जब हमने सेट किए, कोई ऑब्जेक्टिव अगर हमने बनाए हैं तो वो क्या कहते हैं, वो भी होने चाहिए, कम्युनिकेट प्रॉपरली होने चाहिए, जो कि इन्वॉल्व करते हैं टू पार्टीज़ को। टू पार्टीज़ कौन कौन है, एक तो अप्राइजर होता है जो अप्राइजल करता है, और एक अप्राइजी होता है। अप्राइजी कौन होता है, हुज परफॉर्मेंस इज बीइंग इवैल्यूएटेड, जिसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जो भी अप्राइजर है, जो भी इवैल्यूएट कर रहा है, टू जो भी एम्प्लॉई है जिसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जा रही है, दैट इज नोन एज अप्राइजी। तो अप्राइजर क्या करता है, प्रिपेयर करता है जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली, जो हेल्प करता है अप्राइजी को अपने सेट, उसी तरह से गोल जो हम उसके गोल्स होते हैं उनको सेट करने के लिए, उसको अपने टारगेट्स का पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स एनालाइज हो सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, उसके लिए उसको जितनी जो भी कोचिंग रिक्वायर्ड है, गाइडेंस रिक्वायर्ड है अप्राइजी को, वो जो रिक्वायर्ड गाइडेंस है वो ले सकता है, गुड रिजल्ट जिससे उसको मिले। ठीक है, तो अप्राइजी क्या है, वेरी एक क्लियरली उसको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है, तो उसके लिए हमें बेस्ट जो एक क्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा इसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस, थर्ड इसमें दिया हुआ है मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को मेजर करना जो हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा, जिससे हम रिलायबली एक रिपोर्ट बना सकते हैं क्रिटिकल बिहेवियर क्या है डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्मेंसेज ऑफ द एम्प्लॉयज। तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमारे दो मेथड्स होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, सब्जेक्टिव मेथड होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर क्या इंडिकेट करता है, अगर ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर है वो इंडिकेट करता है हमारी जॉब परफॉर्मेंस कैसी है। जॉब परफॉर्मेंस कौन कर सकता है मेजर, वो वेरीफाइड की जाती है बाय अदर्स। जॉब परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली अदर्स ही वेरीफाई करेंगे, यूजुअली वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मतलब हमने कितना आउटपुट सेट किया है, कितना आउटपुट हमने सेट किया था और कितना हमने उसको रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट आती है हमारी सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर। सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर कैसे रेट किया जाता है, बेस्ड ऑन द पर्सनल स्टैंडर्ड्स, हमने जो अपनी पर्सनल स्टैंडर्ड सेट किए हैं, अपना जो भी ओपिनियन होता है, ठीक है, जिसका भी जो भी अप्राइजर है उसके, वो कैसे जैसे भी हमारी इवैल्यूएशन करता है उसके अकॉर्डिंग जो हमने अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, और जो कि वेरीफाई कौन करता है, जो हमारा अप्राइजर है वो वेरीफाई करता है। फाइन, अब हमारा नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स तो हमें पता ही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ ट्रैक करते हैं, जब हम उन दोनों को बैलेंस करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कैसे वो सारी चीज़ों को जब हम फाइनल आउटकम लेते हैं, तो हमारे जो कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मिलते हैं। फिर हमारे जो रिजल्ट आए हैं, जो हमने कंपेयर करने के बाद जो हमारे रिजल्ट आए हैं, वो जो रिजल्ट हैं अप्राइजल के, वो हम कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना किससे, एम्प्लॉयज़ के, क्यों, क्योंकि वो जो भी डेविएशंस आए हैं उनके रीजंस क्या हैं उनके पीछे, उसको एनालाइज कर सकें, उसको हम उनसे डिस्कस करें, जिससे कि वो अपने आप को एबल बनाए एम्प्लॉई टू नो देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, अगर वीकनेस है तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करें, स्ट्रेंथ है तो वो उनको और भी मोटिवेशन मिलता है मोर एंड मोर इम्प्रूव करने का खुद को। अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पार्ट आता है इसका, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब करेक्टिव एक्शन में क्या है, दिस ऑल जो परफॉर्मेंस अप्राइजल हमारा प्रोसेस है, एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो भी अप्राइजर है हमारा, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप लिए जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस। जो आइडेंटिफाइड होते हैं, जो इनिशिएट करे जाते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, कोचिंग, काउंसलिंग, मतलब किसी भी तरह के करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, वो हमारा एक जो ये लास्ट स्टेप आता है उसमें हम वो सब करते हैं, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें परफॉर्मेंस, जहाँ पे भी लैक हमें लगता है वो परफॉर्मेंसेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।